हरियाणवी कलाकार की आपस में खूब कोलैबोरेशन देखने मिल जाया करे, जिनमें कई अनएक्सपेक्टेड होया करे और कईया का अंदाजा लाग जाया करे और कईया की आइप भी बनाई जाया करे। और मैं इसी सी बात करूं हूं तो हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में इबके ने एक बहुत बड़ी कोलैबोरेशन देखने मिलेगी। जिस फिल्म इंडस्ट्री में KGF जैसी फिल्म बनाई गई यानी कि कन्नड़, उस फिल्म इंडस्ट्री में भी एज एन एक्टर काम करने वाले प्राणी की और एक हरियाणवी कलाकार की जो कि थंबनेल में देखा होगा। खास साढ़ा चार कई दिन तक थोड़ा हा शांत बैठा था और मन ने भी इस टॉपिक पे वीडियो तैयार कर ली थी कि क्या खास साढ़ा चार दोबारा उठ पाएगा, पर ईब बैक टू बैक खास साढ़ा चार के थ्रू अपडेट मिलनी शुरू होगी। खास साढ़ा चार के बहुत जल्द आने वाले किसी गाने में अपने साउथ की फिल्मा में एज एन एक्टर काम करने वाला प्राणी देखने मिल लगा, जिसका नाम है कबीर दुवन सिंह, जो कि दिखने में कुछ ईसा है और शक्ल विलनाली है और लगभग सारे रोल विलनाले होया करे। यो प्राणी 8 सितंबर 1984 ने हरियाणा के शहर गोवाणा में पैदा होया था, जड़े की जलेबी मशहूर है और 2014 तक फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लाग रहा है। और एक आधी फिल्मा का एग्जाम्पल दूं तो एक फिल्म आई थी एक्शन, जिसमें विशाल और तमन्ना भाटिया एक्टर और एक्ट्रेस थे, तो कबीर दुवन सैयद इब्राहिम के नाम तय इस फिल्म का विलन था। ईब खास साढ़ा चार की बात करा तो हरियाणवी गाने सुनने वाले खास साढ़ा चार ने तो सुथरी डाल जाने ही है। अगर गाना बढ़िया आव है तो गाने ने हिट होने में मिनट भी ना लागे, या पावर है खास साढ़ा चार में। खास साढ़ा चार ने अपने इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट गेरी है उसमें आपा ने खास साढ़ा चार और कबीर दुवन दोनों कट्ठे दिखे है और कैप्शन में न्यू लिख रखा है कि कमिंग टुगेदर वेट एंड वॉच और हैशटैग जाट, और इस हैशटैग ते ऐसा लग गया है कि यो गाना फिर ते खुद का रुतबा दिखाने वाला गाना हो सके है। बाकी इस गाने के बारे में कोई खबर नहीं है, बस जितना बेरा लाग पाया वो बता दिया। थारे में ते कौन कौन कबीर दुवन ने शकल तक जाने थे कमेंट में आर्ट का इमोजी छाप दियो। राम राम।